हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी टाइम्स टीवी। तो आज मैं दो तरीके के स्वीट्स बनाने वाली हूँ। एक मैं बनाने वाली हूँ दूधी का हलवा और दूसरा मैं बनाने वाली हूँ बीट रूट का हलवा। इसके लिए मैंने लिए है इलायची पाउडर, शुगर, घी और उसके साथ साथ मैंने लिया है 1/2 लीटर मिल्क। मैंने गैस पे 2 कढ़ाई चढ़ाई है, एक मैं बनाऊंगी दूधी का हलवा और दूसरी जगह मैं बनाऊंगी बीटरूट का हलवा। आप देख सकते हो मैंने दोनों जगह पे 1/2 लीटर दूध मैंने कढ़ाई में रखे हैं। अभी मुझे इसे बॉईल करना है। अब मैं दूधी को ग्रेट कर लेती हूँ और बीटरूट को भी ग्रेट कर लेती हूँ। आप देख सकते हो मिल्क अभी बॉईल हो चुका है। ये दूधी को मैंने ग्रेट कर लिया है, अभी इसको मुझे इसमें ऐड करना है। ये मैंने 250 ग्राम इतनी लिए थे दूधी। मुझे इसमें मिक्स करते रहना है, इसको स्टर करते रहना है। आप देख सकते हो मिल्क बॉईल हो चुका है। मैंने 250 ग्राम इतने बीटरूट लिए हैं और मैंने इसे ग्रेट कर लिया है अच्छे से। अब मैं इसमें ऐड करूंगी, दूध में ऐड कर दूंगी। एक गैस पे दूधी का हलवा बन रहा है और दूसरे गैस पे बीटरूट का हलवा बन रहा है। बीटरूट का कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है, आप देख सकते हो। ये दूधी का हलवा है और ये बीटरूट का हलवा है। ये स्वीट्स इतनी आसानी से बन जाते हैं कि आपको किसी फेस्टिवल या स्पेशल ओकेजन का इंतज़ार नहीं करना होगा। इसे हमें स्टर करते रहना है। आप देख सकते हैं दोनों जगह पे हो रहा है, दोनों जगह पे अच्छे से कुक हो रहे हैं। जो मैं बना रही हूँ दूधी का हलवा और बीटरूट का हलवा, इसमें सेम इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं। इसी तरह गाजर का हलवा भी मैं ऐसे ही बनाती हूँ। आप रक्षाबंधन के लिए ये स्वीट्स बना सकते हैं। बहुत ही इजी और झटपट रेडी हो जाते हैं। आप एक जगह पे कढ़ाई रख दो और आप दूसरा लंच बनाओ या डिनर बनाओ, उसके साथ ये भी हो जाते हैं। ये भी उसके साथ स्वीट्स भी बन गए एक साइड पे। आप इसे हाई फ्लेम पे भी कुक कर सकते हो, मीडियम फ्लेम पे भी कुक कर सकते हो। आज मैं ये दूधी का हलवा और ये बीटरूट का हलवा रक्षाबंधन के लिए बना रही हूँ। ये आप देख सकते हैं मिल्क ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। इसमें मैंने 4 चम्मच शुगर ऐड कर दी है। आपको मीठा और चाहिए तो आप और शुगर ऐड कर सकते हो। इसको मिक्स करना है। इसे स्टर करते रहना है। इसी तरह मैं 4 चम्मच शुगर इसमें भी ऐड करती हूँ। इसे 5 मिनट तक अच्छे से हमें भूनना है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ इलायची पाउडर। बीटरूट हलवा में भी मैं इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ।
आप देख सकते हो ये अच्छे से भून के हो चुका है। अब मैं इसमें 2 चम्मच घी डाल देती हूँ। ये अपना बीटरूट का हलवा बस 1-2 मिनट में रेडी होने वाला है। हमारा दूधी का हलवा भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। मैं इसमें 2 चम्मच घी डाल देती हूँ। मैं इसमें 2 चम्मच घी डाल दिया मैंने। बस 1 मिनट तक हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब ये दूधी का हलवा रेडी हो चुका है और इसके साथ साथ बीटरूट का भी हलवा रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स, ये बन गया मेरा दूधी का हलवा और ये बीटरूट का हलवा। अब मैं इसमें ये क्रीम गार्निश के लिए और इसके ऊपर बादाम डाल रही हूँ। अब ये हलवा तैयार है। आप ये फेस्टिवल के टाइम बना सकते हो। ये दूधी का हलवा और बीटरूट का हलवा बहुत इजीली बन जाता है। अब मेरा दूधी हलवा और बीटरूट हलवा बनके तैयार हो चुका है। अब मैं इसको प्लेटिंग करूंगी और मुझे इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। तो मैंने ये एक स्टील की प्लेट ली है। इसमें मैं ये दूधी का हलवा सेट कर दूंगी इस पे। ये मैंने दूधी हलवा प्लेट में अच्छे से पूरी जगह मुझे अच्छे से स्प्रेड करना है इसको। ये हो गया दूधी हलवा का एक लेयर। अब ये दूसरा लेयर है बीटरूट का। जब इसकी बर्फी बनेगी तो बहुत ही अच्छा कलर, 2 कलर में ये बर्फी दिखाई देगी हमें। हो गया मेरा बीटरूट। मैंने अच्छे से पूरी जगह इसको स्प्रेड कर लिया है। अभी मुझे इसे 1/2 आवर के लिए मैं इसे फ्रिज में रखूंगी सेट करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, 1/2 घंटा हो चुका है। मैंने इसे 1/2 घंटे के लिए मैंने फ्रिज में रखा था। अब मैं इसे कट कर रही हूँ। आप देख सकते हो इसका लुक, आप देखिए कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। कोई भी यकीन नहीं करेगा कि घर के घर में ही बन चुकी है ये मेरी रक्षाबंधन के लिए मिठाई। और इसके साइड में जो भी है सब निकाल देना है। आप देख सकते हैं इसका लुक, आप देखिए कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। कोई भी यकीन नहीं करेगा कि घर के घर में ही बन चुकी है। मैंने इसको साइड से निकाल दिया है क्योंकि मुझे एक स्क्वायर पीसेस, अच्छे पीसेस मुझे मिल जाए। ये देखिए बर्फी डबल कलर वाली कितनी अच्छी आई है। ये देखिए बर्फी, ये डबल दूधी हलवा और बीटरूट हलवा दोनों का कॉम्बिनेशन। अब इसके ऊपर मैं ऐसे बादाम से गार्निश कर लेती हूँ। इसके साथ साथ मैंने रक्षाबंधन की प्लेट भी तैयार कर ली है। ये आ गई मेरी राखी। घर के घर में ही बनाई हुई मिठाई। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी बीटरूट
और दूधी हलवा की बर्फी तैयार हो चुकी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टेस्टी टाइम्स टीवी। थैंक यू।